बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो हमारे सरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले वयाल पर। दोस्तों, बैन अल-अक़वामी टमाटर मार्केट इस्लामाबाद में खुश आमदीद। आज बैन अल-अक़वामी मंडी में टमाटर कहाँ से आए थे, कितने आए थे, कैसे कैसे नीलाम हुए, इस वीडियो में यही कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। तो अगर आपको ऐसी मालूमात अच्छी लगती है, हमारे पेज और चैनल दोनों पर आपको सब्जी और फ्रूट की तमाम मालूमात मिलती रहती है, तो फिर हमारे चैनल को फौरन सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं ताकि हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले। ये वीडियो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, चार पांच इलाकों के टमाटर आपके साथ शेयर करेंगे, लिहाजा इसको आगे शेयर कीजिए ताकि आपकी वजह से हजारों लोगों को हमारी आवाज़ पहुंच सके। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। निहायत मोहतरम दोस्तों, बैन अल-अक़वामी टमाटर मार्केट इस्लामाबाद में आज तकरीबन 4.5 ट्रेलर टमाटर थे काबुल के, तकरीबन 4.5 ट्रेलर। इसके अलावा पाकिस्तानी टमाटर थे। अब पाकिस्तानी टमाटर पाकिस्तान के किन किन इलाकों से आए थे, उधर ही पहुँच कर आपके साथ उनके नाम शेयर करेंगे। तो चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लकुना करोड़ुना दुरुदुना सलामुना जमु फाका जमु पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाई पा हलवायाल बांदे। दोस्तान, बैन अल-अक़वामी टमाटर मार्केट इस्लामाबाद के हर कले वायु नन पा इंटरनेशनल मार्केट के द अमारत इस्लामी अफगानिस्तान सुमर टमाटर रागलियो, ददेना अलावा द पाकिस्तान द कम कम इलाकों टमाटर रागलियो सुमर रागलियो सिंग हरसू पदे वड़ा शान वीडियो को बरसरदा टूल अर्थ शेयर कहो। नो कदास मालूम तासो खोही नमू चैनल सब्सक्राइब के, फेसबुक पेज या टिकटॉक बांधे मुंग फॉलो के, खूब बुला घटा खबरा मेहरबानियों के द वीडियो मख के शेयर करे चिस्तासुदला से बुजुर्गों खल को दमंग आवाज़ जरूर रसी। बिस्मिल्लाह को पहला बिस्मिल्लाह करेंगे। तीर तलाश के टमाटर अपनी खूबसूरती के लिहाज से हमारे इंटरनेशनल मंडियों में सबसे टॉप पर जो चल रहे हैं वो तीर तलाश के टमाटर है। आप यकीन करें कि जब बंदा इसको खोलता है इन टमाटरों को ना, तो दंग रह जाता है कि अल्लाह ताला ने इसमें कितनी खूबसूरती डाली है। फिर अपने बंदों को भी सफाई का हुक्म दिया है, वो भी काफ़ी माशाल्लाह सफाई करते हैं। हाँ, कुछ धोखेबाज लोग भी आते हैं जो बदनाम करते हैं पूरे तालाब को। बहरहाल ये देख ले, आप कैमरे की आंख आपको दिखा रही है, हमारे गिर्द गाजर भी लगे हैं और टमाटर भी। अच्छा, बाहर ये तकरीबन 16-17 किलो वजन के साथ आज आम फरोख्त हो रहे थे। 15-16 कुछ 17, कुछ बेहतरीन लाट 18 और कुछ टॉप के लाट जैसे कि ये सामने पड़ा है 1900, हो सकता है इक्का दुक्का लाट इससे भी मज़ीद ऊपर गया हो। बहरहाल 15-16 इनका आम रेट था, 17-18-1900 ऊपर जाए जितना भी जा सकते हैं, क्योंकि टमाटर जब टॉप के हो तो रेट भी उस हिसाब से लगता है। दीर तलाश के टमाटर। चलो चलते हैं अब हमारत इस्लामिया की टमाटर की तरफ। बूढ़े हो गए, कमज़ोर हो गए, मरियल हो गए, लेकिन फिर भी वो बेच रहे हैं। नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है उनको। वो चमक दमक, वो खूबसूरती जिसको हम किसी ज़माने में याद करते थे, भाई ये मार्का देखे, वो मार्का देखे, तो वो सब के सब वड़ गए हैं। ये देख ले, ये इसकी चमक दमक है और ये इसकी वो सख्ती है, मान पड़ गई है। एहतियात कीजिए, और जहाँ से ये टमाटर वो बेच रहे हैं उनको चाहिए कि अब बंद करें, क्योंकि पाकिस्तानी टमाटर के ज़ोर है इनको नुकसान होगा और हो रहा है। 6-650 पर इस पर कराया है, विदाउट इसके अखबार, ये लेबल, ये सारा कुछ, वहाँ के अखराजात, यहाँ के अखराजात, बॉर्डर के अखराजात। बेशक कि आप इसको बॉर्डर पर बहुत खूबसूरत, वहाँ अमारत इस्लामी अफगानिस्तान में आप इसको बहुत खूबसूरत इसकी बुराई करते हैं, लेकिन ये जो पाकिस्तान की आबो हवा की तरफ जब आते हैं और इसको वहाँ से यहाँ आती हुई इतनी देर लगती है, मट्टी धूल, तो ये बेकार हो जाते हैं भाई। वहाँ के मंतके या ज़मींदार समझते हैं कि जो टमाटर हमने भरा उसी तरह वो चमकदार पहुँचा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। यहाँ पहुँचते हुए बहुत बड़े मसाइल के ये शिकार हो जाते हैं, और अभी भी आपको नीलामी की आवाज़ आ रही है 800 800 800। तो ये कमज़ोर टमाटर जब यहाँ पहुँच जाते हैं ना, थोड़े से गीले भी हो जाते हैं, वो 700-800 रुपए के बिक रहे थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान उनका हो रहा है। इतना तो इस पर कराया है। वो ये टमाटर यानी थोड़े गीले मिले और कमज़ोर 700-800 रुपये के बिक रहे थे, अच्छे टमाटर थोड़े बहुत वो 900 से लेकर 1000 कुछ 1100 रुपए, ये तो आम बिक रहे थे अच्छे टमाटरों के रेट 900 से लेकर 1000 और कुछ 1100 रुपए। कुछ चंद लाट जो आपको पता ही है कि अच्छे भी आ जाते हैं दरमियान में, जो वहाँ की ज़मींदारों ने बड़े होते हैं, वो 200-300 मार्केट से ऊपर बिकते हैं। अभी ये देख ले, ये टमाटर है,
अमारत इस्लामी अफगानिस्तान के। अब वहाँ तो ज़मींदारों ने इसको बेशक अच्छा भरा होगा, लेकिन यहाँ पहुँच कर ये अच्छा फिर नहीं रहता, क्योंकि ये बूढ़े हो चुके हैं, कमज़ोर हो चुके हैं। भाई इनको मत भेजिए, जो लेते हैं उनको भी नुकसान हो रहा है, आपको भी हो रहा है। ये 900,000 और कुछ अच्छे 1100, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे जो वहाँ स्पेशल भरे गए हैं उनके रेट फिर 200-300 मार्केट से ऊपर चलते हैं। तो आज भी यही मामला हुआ, 200-300 मार्केट से ऊपर भी चला है। इक्का दुक्का लाट 1200-1300 का भी बिका है, एक दुक्का दुक्का कम रेट, आम रेट 900-1100 रुपये काबुल के टमाटर के रेट चल रहे हैं। जी दोस्तों, ये जो टमाटर है ये स्वाद के मैदानी इलाके के हैं, और ये छोटी जाली है 9 किलो या ज़्यादा से ज़्यादा 9.5 किलो। ये पेटियों से काटन और काटन से फिर इन जालियों में कन्वर्ट हो गई। आज अगर बारिश हुए और काटन आ जाते ना, तो वो सारे के सारे शदीद तकलीफ मज़दूरों को भी होती, अड़तियों को भी मसले में कि यार अब काटनों का क्या होगा, बारिश लगी है। बहरहाल ये खूबसूरत जालियाँ आज तकरीबन 600 से लेकर आम बिक रही थी 650-700, कुछ बेहतरीन लाट इनमें 50-60 रुपए ऊपर भी गया है, यानी 7.5-7.5 का भी गया है, लेकिन ये कम रेट था। आम जो रेट था वो 600 से लेकर 650 और 700 रुपए। शमोजू की 13 किलो वाली जाली या 13.5 किलो, अभी चूंकि थोड़ी देर पहले बारिश हुई है तो आप इस पर ये हीरे जवाहरात जैसे कतरे देख सकते हैं। माशाल्लाह ये छोटी जाली है, लेकिन टमाटर इनके बहुत अच्छे हैं। आम रेट इनका चल रहा था 12-12.5 कुछ 13, लेकिन अच्छे लाट के रेट इससे मुस्तस्ना होते हैं, और वो तकरीबन लगभग 1400 रुपये और कुछ बहुत अच्छे लाट 1450 रुपये तक भी गए हैं। ये देख ले आप माशाल्लाह, चमक दमक देखें। हाँ, 2-4 चुनाइयों के बाद ये मज़ीद खूबसूरत होने वाले हैं, फिर इतने प्यारे होंगे जैसे दीर तलाश के टमाटर। अभी इस पर जालाबारी के असरात कम से कम है, ये देख ले आप, ये जो आप टक लगा है ना, ये ज़्यादातर जालाबारी के असरात है, लेकिन इंशाल्लाह ये जालाबारी के असरात फिर अगर सीज़न से पहले हो तो सीज़न के अंदर अंदर ही 2-4 दिनों में साफ हो जाती है। तकरीबन 12-13, 13.5, 14, 14.5 कुछ अच्छे लाट इनमें मज़ीद 50-100 रुपये महंगे बिके हैं। मोहतरम दोस्तों, दीर तलाश की तरफ काफ़ी ज़्यादा इलाकों में शदीद बारिशें और जालाबारी हुई है, जिनकी वजह से उन इलाकों के टमाटर मुकम्मल तबाह बर्बाद हो गए हैं, लेकिन बहरहाल अल्लाह सब की मदद फरमाए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान।